हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है निरहुआ अपडेट में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं निरहुआ इलेक्शन के बारे में। जनता की जीत से आजमगढ़ वासियों ने कहा कि आपने कमल खिला दिया, ये आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही निरहुआ हिंदुस्तानी को सम्मान मिला, मान सम्मान मिला। देवतुल कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित भी किया निरहुआ हिंदुस्तानी ने। बहुत ही अच्छे धर्मेंद्र यादव, सपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव को हराया और निरहुआ ने आजमगढ़ से बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। निरहुआ ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता की जीत आजमगढ़वासियों, आपने कमाल कर दिया कि आपकी जीत है। उपचुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सबने प्यार और सपोर्ट किया, उस तरीके से आशीर्वाद सभी लोगों का मान सम्मान बनता है। आप सभी लोगों का कार्य स्थिर होगा और निरहुआ हिंदुस्तानी को प्रमाण पत्र भी घोषित किया गया। आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है। और यहाँ पर अखिलेश यादव जो सपा कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने दूरी भी बनाई है और इस बार चुनाव प्रचार समाजवादी पार्टी को दिग्गजों को खूब प्रचार तो किया, लेकिन अखिलेश यादव नहीं हरा सके निरहुआ हिंदुस्तानी को। निरहुआ हिंदुस्तानी जो कि भाजपा कैंडिडेट के बहुत ही अच्छे, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी समर्पित किया और मान सम्मान भी दिलाया। इस जीत पर आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि निरहुआ हिंदुस्तानी बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आजमगढ़ से सभी जनतावासियों ने सपोर्ट किया। आजमगढ़ सदर संसदीय सीट के उपचुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सिंह ने स्टार दिनेश लाल यादव के पास 84 लाख रुपये की मॉडल रेंज रोवर फॉर्च्यून भी गाड़ी है, जो कि इन्होंने अपने करियर में अचीव की है। तो दोस्तों, ये सब रहा निरहुआ हिंदुस्तानी से अपडेट इलेक्शन के बारे में। आप सभी लोगों को सपोर्ट बना रहे, निरहुआ हिंदुस्तानी को जल्द ही और कोई नई सूचना मिलने को जैसे ही मिलती है वैसे ही आप सभी लोगों तक शेयर किया जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।